हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम फ्लूइड की एक आसान सी प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर स्टडी करेंगे। आसान भाषा में हिंदी में समझ लगे कि वेपर प्रेशर क्या है, कैसे एक्ट होता है और एग्जाम में कैसे इसे आंसर करना है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ देखिए, मैं डेफिनेशन आपको क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी चलेगा, बट आपको डेफिनेशन के मार्क मिलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है और डेफिनेशन भी आता है तो अच्छी बात है, आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर इन क्लोज्ड सिस्टम। अब इसका हम कंसेप्ट के तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने अभी एक सिस्टम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सिस्टम है, ऊपर से क्लोज्ड है, ऊपर से क्लोज्ड है, अंदर वाटर भरा हुआ है। हाँ, ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्लोज्ड सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, हम वेपर प्रेशर स्टडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बर्नर लगाया, वो उसमें से आग निकल रही है और ये पानी, ये वाटर गर्म हो रहा है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, वो एस्केप करना शुरू करते हैं फ्रॉम सरफेस। उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कम हो जाता है और वो एस्केप करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा, चार्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलोज़ लॉ, उनमें से है ना, उसका कंसेप्ट इधर आता है टेम्परेचर और प्रेशर का। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे ही प्रेशर अंदर का बढ़ने लगता है। अब देखिए, ये क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम, जाने के लिए इस वेपर को जगह ही नहीं है। तो ये वेपर क्या करेगा, वेपर तो निकलना चाहता है और क्लोज्ड सिस्टम होने के कारण उसमें तो जगह नहीं जाने के लिए। तो ये वेपर सिंपली उस कंटेनर के वॉल पर और उस लिक्विड, जैसे कि हमने इधर वाटर ले लिया है, उसके सरफेस पे एक प्रेशर एक्ट करता है। ये जो प्रेशर है हम उसे सिंपली वेपर प्रेशर कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।